नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मेरी पत्नी मुझे मारती है इसलिए। हाई कोर्ट में पति ने बताई अजीबो गरीब बात, जज ने लिया ये फैसला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पीठ में बुधवार को एक रोचक याचिका पर सुनवाई हुई। ग्वालियर शहर में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए याचिका दायर की कि उसके पति को उसकी दूर की ननद ने अपने साथ रखा हुआ है। इसके बाद जब युवक को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने बताया कि उसकी पत्नी उसे मारती पीटती है। हाई कोर्ट के सामने बुधवार को एक अजीबो गरीब मामले पर सुनवाई हुई। ग्वालियर शहर में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए याचिका दायर की कि उसके पति को उसकी दूर की ननद ने अपने साथ रखा हुआ है। ननद उसके पति को वापस आने नहीं दे रही। इसके बाद बुधवार को युवक कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। कोर्ट ने जब पति से पूछा कि आखिर मामला क्या है तो पति ने कहा कि उसकी पत्नी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। वो जिस लड़की के साथ रह रहा है वो रिश्ते में उसकी बहन लगती है। युवक ने आगे बताया कि उसकी पत्नी उसे मारती पीटती है, इसलिए मर्जी से अलग रह रहा हूँ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आखिरकार याचिका को रद्द कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी एक बेटी को उसका जीजा यानी मेरा दामाद बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने युवती को गुजरात से बरामद कर हाई कोर्ट के सामने पेश किया तो बेटी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है। लड़की बालिग थी, इसलिए कोर्ट ने उसे उसकी मर्जी से रहने का आदेश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। महिला ने लगाया पुलिस पर अवैध कस्टडी का आरोप। वहीं एक अन्य बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। महिला का एक बेटा बैंक में काम करता था और वहां से गबन करके भाग गया है। उसे खोजने के लिए उसके दूसरे बेटे की मदद से जगह जगह छापा मारा जा रहा था, जिसकी वजह से उसे साथ रखा गया था। दो दिन में जैसे ही छापे की प्रक्रिया पूरी हो गई, युवक को उसके स्वजन को सौंप दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।